नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पॉन सेलिंग के बारे में थोड़ा सा अपडेट देने वाला हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि ब्रीडिंग का पीरियड जो है वो समाप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और आगे जाके आपको हर तरह का मछली मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। और ग्रास कप के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कि उसका स्पॉन अभी नहीं मिलता है। तो जो जो भाई स्पॉन फार्मिंग करते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मछली का स्टॉकिंग कर लेना चाहिए, स्पॉन का स्टॉकिंग कर लेना चाहिए। यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, जैसे कि देख रहे हैं, नाप जुप सब कुछ आप देख पाएंगे। स्टॉकिंग क्यों करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी देखिए जब ब्रीडिंग का मौसम चल रहा है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा 2 महीना ब्रीडिंग चलने वाला है। इसके बाद शायद धीरे धीरे मछली का ब्रीडिंग रुकने वाला है, और फिलहाल के समय लोग स्टॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं। उसका भी कुछ रीज़न है, क्योंकि बारिश बहुत ही कम हो रही है, जिसके वजह से बहुत सारे किसानों के तालाब में पानी नहीं हो रहा है, जिसके वजह से वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। और जो भाई लोग किसान भाई लोग जो स्पॉन बनाते हैं, फ्राई बनाते हैं स्पॉन से, वो फ्राई बेच नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से उनका बिजनेस थोड़ा सा कम चल रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चलेगा, कुछ दिन में अगर देखा जाए बारिश हो जाता है, पानी अच्छा खासा हो जाता है, तो फ्राई का जो है वो डिमांड बढ़ जाएगा। तो आपके पास स्टॉकिंग फिलहाल के लिए है, लेकिन ज़्यादा संख्या में नहीं है, तो आप आगे जाके दिक्कत में आ सकते हैं। क्यों मैं बता देता हूँ, जब भी बारिश होगा तो आपके पास जो फिंगर लाइन है, 1 इंच 2 इंच 1.5 इंच साइज का बच्चा है, वो उसका डिमांड बढ़ जाएगा और आप तुरंत ही उसको बेच लेंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन जब आप इसको बेच लेंगे तो आपका तालाब खाली हो जाएगा, फिर आप स्पॉन ढूंढेंगे, उस समय शायद स्पॉन का कमी हो जाएगा, क्योंकि ब्रीडिंग पीरियड जो है वो बंद हो जाएगा, और ऐसे हाल में आप स्पॉन को परचेस नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा संख्या में, और मनचाहा स्पॉन भी नहीं परचेस कर पाएंगे। जैसे कि मनचाहा स्पॉन के बारे में बता रहा हूँ, इसमें आपको रेहू होता है अलग से, कातल आपको अलग से मिल जाएगा, सिल्वर कप अलग से मिलता है, बाटा अलग से मिलता है, चैना पोटी अलग से मिलता है, लगभग हर तरह का मछली को अलग अलग आप खरीद सकते हैं और अलग अलग तालाब में रख के इसको फ्राई बना सकते हैं। लेकिन जब ब्रीडिंग का सीज़न ख़त्म होने लगता है तो अलग अलग मिलना मुश्किल हो जाता है, ज़्यादातर मामलों में मिक्सचर या मिक्स जो स्पॉन है वो आपको मिल जाता है। अब मिक्स में जो चीज़ होता है वो है, मिक्स में हर तरह का मछली नहीं रहता है, लगभग 3 से 4 तरह का मछली का मिक्सचर रहता है, जिसमें रेहू रहता है, कतला रहता है, इसके बाद बाउस यानी जिसे आप लोग मुसैना के नाम से जानते हैं वो रहता है, और कुछ क्रॉस वगैरह अगर होता है तो दोगला जिसे बोला जाता है वो रहता है। और इस 3-4 प्रकार का मछली एक साथ ही सेलिंग किया जाता है, जिसको मिक्सचर या देसी बोला जाता है। और उसमें कितना परसेंट क्या होता है सीजन के लास्ट जब आने लगता है तो बोल पाना मुश्किल होता है। तो ऐसी हाल में किसान थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में आते हैं कि कौन कितना परसेंट होगा, क्या होगा, नहीं होगा। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है जब सीजन ख़त्म हो, इसके पहले ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टॉकिंग करना चाहिए। आप घना करके तालाब में रखें, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ग्रोथ बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो साइज़ बना के बेचना है, 1.5 इंच 2 इंच इस साइज़ का। इससे बड़ा जो बनाना है वो किसान अपना तालाब में सही हिसाब से ले जाकर खरीद के अपना हिसाब से कल्चर में डालेगा। तो आपको कोशिश करना है इस साइज़ का बना के जितना हो सके आपका तालाब में स्टॉकिंग रखने के लिए, क्योंकि आगे जाके जब सीड का डिमांड बढ़ेगा तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉकिंग रहे। और अदर साइड में देखेंगे बहुत सारे किसान के पास स्टॉकिंग नहीं रहेगा, तो आप ज़्यादा प्राइस में भी मछली को बेच सकते हैं। और ये सीड अगर लेना चाहते हैं तो डिलीवरी डेट जो है 23 तारीख को, आज 23 तारीख है, 25 तारीख को आपको मिल जाएगा, 27 तारीख को मिल जाएगा, 29 तारीख को मिल जाएगा। और बाकी प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो हर तरह का मछली अलग अलग मिल रहा है, जैसे कि रोहू, मिर्का, कतला, सिल्वर, बाटा, चैनापुटी, इस तरह का हर तरह का मछली अलग अलग मिल रहा है। आप चाहे तो सेफरेट मछली भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 2-3 प्रकार का मछली एक साथ मिक्स रहता है तो उसको भी ले सकते हैं। मिक्सचर में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 400 रुपया एक एक कटोरा का पड़ेगा, एक एक बाटी एक एक पैकेट का पड़ जाएगा। आप अगर अलग लेना चाहते हैं जैसे कि रेहू तो 450 पड़ेगा, कातल 450 पड़ेगा, आपको सिल्वर लेना है तो 600 पड़ जाएगा, बाटा 600 पड़ जाएगा, चैनापुटी लेना है तो 350 पड़ जाएगा पर पैकेट का प्राइस। तो ये रहा प्राइसिंग जो मैंने आपको बता दिया, और ये प्राइस फिक्स नहीं होता है, अप एंड डाउन होता रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है, प्राइस एक जैसा नहीं रहता है। फिलहाल का जो प्राइस है वो मैं आपको बता दिया। और सीड आप देख सकते हैं अच्छा क्वालिटी का है, और पैकेट में आप कितना सारा बच्चा देख सकते हैं है, एक एक पैकेट में लगभग 35 से 40 हज़ार बच्चा आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप अगर इस सीड को परचेस करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन में मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। और
आकर भी ले सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका खुद आइए, गाड़ी लेके आइए, आपको जितना लगेगा मैं आपको दे सकता हूँ। क्वालिटी के मामले में आप तो जानते हैं, यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छे से मेंटेन की जाती है। और एड्रेस हेचरी का लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में हेचरी का एड्रेस दे देता हूँ, फिर भी आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। और हेचरी जो है वेस्ट बंगाल में है, ये उत्तर दिनाजपुर है, जहाँ रायगंज नाम का एक जगह है, वहाँ पर शहर में ही है हेचरी। आपको रेल स्टेशन के बगल में ही मिल जाएगा हेचरी, रेल स्टेशन के से 10 से 15 मिनट का दूरी में ही हेचरी है, जो कि बहुत आसान है आना और यहां से मछलियां ले जाना। तो यही थी जानकारी। अगर इस तरह का जानकारी पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, क्योंकि दूसरा किसान के पास भी ये सारा फैसिलिटी पहुँचना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।